आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। सपा विधानसभा प्रभारी ने कृषि कानून के विरोध में निकाली रैली, जगदीशपुर अमेठी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर विधानसभा जगदीशपुर की सपा प्रभारी विमलेश सरोज ने जगदीशपुर कस्बा व आसपास अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रभारी विमलेश सरोज ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया नया कृषि कानून किसान विरोधी बताया तथा अगर सरकार ने इस कानून को वापस न लिया तो आगे भी प्रदेश कार्यालय के आदेश अनुसार विरोध जारी रहेगा। वहीं सपा युद्ध ब्रिगेड के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद रहबर सिद्दीकी ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ये सरकार केवल अपने सहयोग मित्रों के लाभ के लिए काम कर रही है, इसकी किसी भी योजना में गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जिसका समाजवादी पार्टी शुरू से विरोध करती आ रही है और आगे भी ये विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर, जिला उपाध्यक्ष अर्शद खान एडवोकेट, व्यापार मंडल अध्यक्ष गोकुल प्रसाद कौशल, जिला सचिव शफीक अहमद, जिला सचिव तुफैल अहमद, जिला सचिव अनवार अहमद, बुद्ध अध्यक्ष जावेद अहमद, बाबादीन इंसाद मिस्त्री संजय यादव, सौरभ श्रीवास्तव, भवानी प्रसाद मिश्र, अमित श्रीवास्तव, शिव कुमार पाल, सुरेश साहू, जावेद अहमद, विपुल पांडे, अनुरुद्ध धोबी, राजकरण यादव, जमशेद खान, शिव सागर, भवानी साहू, सूरज यादव, जाले नेता हनुमान मिश्रा आदि काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी से इसराफ अहमद की रिपोर्ट। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। धरती पुत्र मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस लो। हम लोगों ने आज किसानों के समर्थन में ये प्रोग्राम किया है। हम लोग जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग किसानों के लिए रोड पर निकलकर गांव में जा करके किसानों का समर्थन करते रहेंगे और इस सरकार का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि यह सरकार बड़ी निकम्मी है। ये किसी का कहना नहीं माने, अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। हमेशा हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान इस तरह से आपने सोशल डिस्टेंसिंग बना करके किस तरह से प्रदर्शन किया? सर, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बरत करके हम लोगों ने सुचारू ढंग से जो है अपना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम लोग सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। कब तक प्रदर्शन? जब तक किसानों की मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे।